हाई एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम टू राइट गाइडेंस एंड एम्बिशन। माय नेम इज़ अंजलि। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आपको सिलेबस एग्जाम पैटर्न की वीडियो में बताया था, यूनिट 4 के अंदर टोटल 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इस वीडियो से पहले मैं आपके साथ सिलेबस एग्जाम पैटर्न, जिसके अंदर मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताए थे, उसके अलावा यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस अब मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। उसकी वीडियोस जो है मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं। जिन्होंने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं, उनके लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ आप लाइन वाइज देखो, ताकि आपको एग्जाम के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट स्टार्ट विद द टॉपिक। सो क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द कॉम्पोजिशन फंक्शंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया था। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है प्रेसिडेंट और दो हाउसेस, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों को मिला के हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पर कैबिनेट जो होती है उसके पास रियल एग्जेक्टिव पावर है, यानी कि किसी भी कानून को इम्प्लीमेंट करने की जो असली पावर होती है वो कैबिनेट के हाथ में होती है, जिसके हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। इट टेक्स ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसीजन्स, जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन्स होते हैं कंट्री के वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट लेते हैं, और किसी भी पॉलिसी या प्रोग्राम को उसको फाइनल शेप देते हैं, उसकी फाइनल फॉर्म तैयार करते हैं, उसको डिसाइड करते हैं कि इम्प्लीमेंट करना है या फिर नहीं करना है कंट्री के अंदर। सच एन ऑफिस इज नोन एज कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, और उसी ऑफिस को हम कहते हैं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। अब नेक्स्ट आपने हेडिंग डालनी है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट वर्क्स डायरेक्टली अंडर द चार्ज ऑफ पीएम एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इज नोन एज कैबिनेट सेक्रेटरी। अब यहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो भी वर्क करते हैं वो पीएम की गाइडेंस के अंडर वर्क करते हैं। जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, जो पेपर वर्क है, जो हर चीज डीपली और माइन्यूटली चेक करेंगे, उस हेड को हम बोलते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। अंडर द कैबिनेट सेक्रेटरी देयर आर सेवरल सेक्रेटरीज हेडिंग वेरियस डिपार्टमेंट। यहाँ पर जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उनके अंडर बहुत सारे सेक्रेटरीज वर्क करते हैं, जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए हैं, जैसे कि फॉरेन, फाइनेंस, डिफेंस। जैसे जैसे जिस फील्ड में उन्हें डिपार्टमेंट दिए गए हैं वो उसी फील्ड की पॉलिसी और प्रोग्राम्स को बनाते हैं, और फिर उसके बाद जो है कैबिनेट सेक्रेटरी उसे चेक करते हैं। और जहाँ पर ये सारा काम हो रहा है, जहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वर्क कर रहे हैं, हर किसी के एक सेक्रेटरी हेड है, और जितने भी सेक्रेटरीज हैं उनका काम कौन चेक कर रहा है? कैबिनेट सेक्रेटरी। ये सारे ऑफिस को हम कहते हैं मिलाकर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। नेक्स्ट आपने लिखना है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 विंग्स, यानी कि जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है इसको हम 3 विंग्स यानी 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है सिविल विंग, ये जो है मेन विंग है, और ये जो है एडवाइस प्रोवाइड करता है कैबिनेट को। इट प्रिपेयर्स ब्रीफ रिपोर्ट ऑन द इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स ऑफ द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, ये जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, उनकी अचीवमेंट्स और उनकी वर्किंग पे रिपोर्ट बनाते हैं। देन उसके बाद ये जो रिपोर्ट है ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और कैबिनेट को फर्दर भेजी जाती है उनके अप्रूवल के लिए। सेकेंड पॉइंट है मिलिट्री विंग। कंट्री के अंदर जितनी भी नेवी है, एयरफोर्स है, मिलिट्री है, उससे रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, कोई भी लॉ निकाला जा रहा है, वो सारा इस विंग के अंदर देखा जाता है। द मिलिट्री विंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द वर्क कनेक्टेड विद द मीटिंग्स ऑफ डिफेंस कमेटी, नेशनल डिफेंस काउंसिल एंड मिलिट्री अफेयर्स कमेटी, यानी कैसे बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करके रखना है, कौन से नए वेपन्स जो हैं वो आर्मी को चाहिए, कहाँ पर कौन सी आर्मी जो है किस वक्त लगानी है, किसी कंट्री के साथ वॉर करनी है, नहीं करनी है, पीसफुल रिलेशनशिप्स मेंटेन करने हैं, ये जितने भी रिलेटेड टू डिफेंस एंड मिलिट्री डिसीजंस हैं वो सारे इस मिलिट्री विंग में लिए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है इंटेलिजेंस विंग। दिस विंग इज रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट, इवेल्यूएट एंड प्रेजेंट इंटेलिजेंस पर्टेनिंग टू एक्सटर्नल थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। ये विंग उससे रिलेटेड काम करती है कि कंट्री के अंदर अगर कोई भी खतरा है किसी फॉरेन अटैक से या फिर किसी भी टेररिज्म से, तो उससे रिलेटेड जितना भी डाटा ये कलेक्ट करते हैं, उसको इवेल्यूएट करते हैं, प्रॉपरली चेक किया जाता है, देन ये जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है ये फर्दर सबमिट की जाती है, जिस चीज़ से हमें पूरी हमारी जो नेशन है उसको खतरा है उससे रिलेटेड जो ये विंग है वो वर्क करती है। इट टेक्स केयर ऑफ द वर्क रिलेटेड टू द फॉरेन इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़, की जितनी भी फॉरेन कंट्रीज हैं उनमें क्या इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, हमारी कंट्री के खिलाफ तो कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है, उसके अलावा हमारी कंट्री में रॉ है,
रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, CBI है. तो बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो इंडिया के अंदर इंटेलिजेंस रिलेटेड वर्क से कनेक्टेड हैं. तो उससे रिलेटेड जितना भी उनका वर्क है, पॉलिसीज है, प्रोग्राम है, वो इस इंटेलिजेंस विंग में देखा जाता है. नेक्स्ट हेडिंग है फंक्शंस की, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के इंडिया के अंदर क्या फंक्शंस है. फर्स्ट है सपोर्ट टू कैबिनेट. फर्दर इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है कॉलिंग मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट एंड इट्स कमेटी. जितनी भी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ऑफिस के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, जितनी भी कमेटीज़ हैं, उन सबके बीच में मीटिंग्स करवाना. सेकंड, प्रिपरेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ एजेंडा. नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर जो है कानून बनाना है या फिर क्या डिस्कशन करनी है, उसका एजेंडा क्या होगा, वो प्रिपेयर करना. और उसके जो सर्कुलेशन रिलेटेड टू उस केस के, उस टॉपिक के पेपर्स जो है उन मेंबर्स के बीच में, उन कमेटीज़ के बीच में सर्कुलेट करवाना. थर्द पॉइंट है सर्कुलेशन ऑफ पेपर रिलेटेड टू द केसेस. अब जितने भी केसेस हैं रिलेटेड टू द मिलिट्री, डिफेंस, फॉरेन, फाइनेंस, उन सबसे रिलेटेड जितने पेपर्स हैं वो कमेटीज़ को प्रोवाइड करना, उनके बीच में सर्कुलेट करवाना. फोर्थ पॉइंट है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन एंड मटीरियल नेसेसरी फॉर डिस्कशन. डिस्कशन करते वक्त अगर कभी भी कोई पेपर की या फिर कोई एविडेंस की जरूरत पड़ती है तो उस एविडेंस को भी वहाँ पर प्रोवाइड करवा. बी पार्ट है प्रमोशन ऑफ इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन. अब जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं यानी कि डिपार्टमेंट्स हैं, वो अलोन काम नहीं करते कि इंडिपेंडेंट होकर कंप्लीटली काम कर रहे हैं. एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कनेक्टेड होता है. आपको ये चीज जो है एग्जांपल के साथ समझाती हूँ. जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसका क्या काम है, बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना. बट डिफेंस मिनिस्ट्री को साथ के साथ फॉरेन मिनिस्ट्री की भी मदद लेनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि फॉरेन कंट्रीज के साथ कैसे एग्रीमेंट हो रहे हैं, क्या साइन हो रहे हैं. तभी वो उसकी जो एक पर्टिकुलर बाउंड्री है वो उस तरीके से प्रोटेक्ट करेगा एक पर्टिकुलर कंट्री को लेके, जैसे कि चाइना और पाकिस्तान को लेके क्या हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है, कैसे वर्क कर रही है. उसके अलावा जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है उसको मदद लेनी पड़ेगी फाइनेंस मिनिस्ट्री की. रिलेटेड टू फाइनेंसिस भी उसको बहुत ज़रूरत पड़ेगी, एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए, जो आर्मी से रिलेटेड वेपन्स है वो खरीदने के लिए. तो यहाँ पर एक डिपार्टमेंट अकेला काम नहीं करता, वो इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ. तो इसीलिए जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है वो क्या फंक्शन करता है, फर्स्ट है रिमूविंग डिफिकल्टीज. उनकी जितनी भी डिफिकल्टीज है, उनको जो भी प्रॉब्लम है उस सबको दूर करना. रिमूविंग डिफरेंसेस, एक दूसरे के साथ जो डिफरेंसेस हैं, जो कोऑर्डिनेशन होकर उनका काम नहीं हो पा रहा है उसको ठीक करवाना. थर्ड है ओवरकमिंग डिलेज, जितना डिले हो रहा है काम, जल्दी से नहीं हो रहा है, उसको ठीक करवाना. फोर्थ पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस. जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया जा रहा है उसमें सब में सारे डिपार्टमेंट जो है मिलकर कोऑर्डिनेट करें एक दूसरे के साथ. फिफ्थ है कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसीज, एक जैसी पॉलिसीज आनी चाहिए कोऑर्डिनेट करती हुई. ऐसा नहीं कि फॉरेन मिनिस्ट्री का अलग रूल निकल रहा है, डिफेंस मिनिस्ट्री की अपनी कोई पॉलिसी निकल रही है, जिससे जो है इंटरेस्ट ऑफ क्लैश दिखेगा, जिससे जो है लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे अपनी डिपार्टमेंट्स पे और मिनिस्ट्रीज पे. तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होकर चलें. इसमें सबसे मेन काम है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का. इस ऑफिस में जो है सब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बनाने की पूरी कोशिश की जाती है. सी पॉइंट है एज ओरिजिनेटिंग ऑफिस. फर्दर फर्स्ट पॉइंट है इसके अंडर अपॉइंटमेंट रिलेटेड टू द मिनिस्टर्स एंड अलॉटमेंट ऑफ पोर्टफोलियोज टू द मिनिस्टर्स. अपॉइंटमेंट रिलेटेड जितने भी मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जा रहा है उसका पेपर वर्क प्रॉपरली चेक करना. अलॉटमेंट ऑफ पोर्टफोलियोज, एक मिनिस्टर को क्या मिनिस्ट्री दी जा रही है, क्या डिपार्टमेंट दिया है और उन्होंने क्या काम करना है फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 years. सेकंड है वर्क रिलेटेड टू रेजिग्नेशन चेंजेस इन पोर्टफोलियोज ऑफ मिनिस्टर्स आल्सो लुक्ड बाय इट. अब जो भी काम है रिलेटेड टू रेजिग्नेशन, अगर कोई भी रिजाइन कर रहा है अपनी मिनिस्ट्री से, डिपार्टमेंट से, या फिर किसी भी मिनिस्टर को कोई पोर्टफोलियो दिया जा रहा है कि आपको ये डिपार्टमेंट संभालना और ये काम करना है, उससे रिलेटेड भी ये वर्क जो है चेक करते हैं. थर्ड है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कीप्स अ वॉच ऑन द प्रोग्रेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन. जो भी डिसीजन लिए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, उसको जब सोसाइटी में इम्प्लीमेंट यानी कि लागू किया गया तो वो कितना प्रॉपरली वर्क कर रहा है सोसाइटी में, लोग जो है उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या फीडबैक है लोगों का, उस चीज़ को प्रॉपरली चेक करना. फोर्थ है री एडजस्टमेंट और ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स फ्रॉम वन मिनिस्ट्री टू अनदर. कोई भी मिनिस्ट्री में अगर ट्रांसफ़र करना है किसी भी पर्सन को या फिर मटेरियल या ऑब्जेक्ट्स को या किसी भी सब्जेक्ट को, उस चीज़ का जो वर्क है वो भी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंडर आता है. डी पार्ट है एज अ स्टाफ एजेंसी ऑफ द कैबिनेट. फर्स्ट पॉइंट है प्रपोजल टू डिसॉल्व द लोकसभा. लोकसभा को डिसॉल्व, लोकसभा जो होती है वो लोअर हाउस है पार्लियामेंट का, उसे जो है डिसॉल्व किया जा सकता है यानी कि बंद करवाया जा सकता है और उसमें जितने भी मेंबर्स हैं उनसे रेजिग्नेशन मांगा जा सकता है और फर्दर उसमें इलेक्शन होंगे और मेंबर्स को दोबारा रिक्रूट किया जाएगा. सेकेंड है इंपॉर्टेंट मैसेजेस ऑफ द प्रेजिडेंट टू द पार्लियामेंट. थर्ड है केसेस इन्वॉल्विंग नेगोसिएशन विद द फॉरेन कंट्रीज ऑन ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स. जितने भी केसेस हैं रिलेटेड टू फॉरेन कंट्रीज, कि फॉरेन कंट्रीज के साथ हमारी क्या ट्रीटीज है, क्या एग्रीमेंट है,
क्या हमने ट्रेड रिलेटेड साइन किए एग्रीमेंट, वो सारे केसेस जो हैं वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंडर आते हैं। फोर्थ है केसेस इन्वॉल्विंग फाइनेंशियल प्रपोजल्स, कितने टैक्सेस लगाने हैं, कितने जो है फंड्स किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को देने हैं, उससे रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं वो भी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंडर आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है इंपॉर्टेंस। फर्स्ट पॉइंट है जितने भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर उसके बारे में पीएम को इन्फॉर्म करना। सेकेंड, खुद जो है जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो भी वो वर्किंग हो रही है उसके अंदर उनके साथ टच में रहना, उनकी रिपोर्ट्स वगैरह चेक करना। थर्ड, रिपोर्ट्स बनाना जितनी भी कमेटीज़ वर्क कर रही हैं, उसके बाद उस रिपोर्ट को कैबिनेट के सामने पेश करना डिस्कशन के लिए। फोर्थ, पीएम और कैबिनेट को असिस्ट करना, मदद करना जब भी न्यू पॉलिसीज बनेंगी। फिफ्थ पॉइंट है एक एजेंसी की तरह काम करना ताकि कंट्री के अंदर टोटल गवर्नेंस यानी कि रूल्स रेगुलेशंस अच्छे से बन सकें। नाउ एंड में कॉन्क्लूजन, 4 to 5 lines एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कॉन्क्लूजन इन द एंड, इससे आपका आंसर जो है कॉन्क्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो। इनकेस आपको लाइन्स नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ पे लाइन्स लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट 4, डिस्कस द कॉम्पोजिशन फंक्शंस एंड रोल ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। तो सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन। द कैबिनेट सेक्रेटरी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जिसको अभी हमने डिस्कस किया कि वो पूरा ऑफिस है जिसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वर्क करते हैं, मिनिस्ट्रीज वर्क कर रही हैं और हर मिनिस्ट्री को एक पर्टिकुलर फील्ड या डिपार्टमेंट दिया गया है। पूरे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के जो हेड होते हैं उसे कैबिनेट सेक्रेटरी कहते हैं, जो कि हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट है। ही इज़ अ सीनियर मोस्ट ऑफिसर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज। तो जिसको भी कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट दी जाएगी वो इंडियन सिविल सर्विसेज के हाईएस्ट ऑफिसर रह चुके होते हैं, उन्हें देते हैं जो सीनियर मोस्ट होते हैं। ही फंक्शंस डायरेक्टली अंडर द पीएम ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो पीएम है उनकी गाइडेंस के अंडर वो वर्क करते हैं। ही इज़ एडवाइजर टू द पीएम और पीएम को एडवाइस दे सकते हैं डिफरेंट फील्ड्स और डिफरेंट लॉज एंड पॉलिसीज से रिलेटेड। सेकंड आपने हेडिंग लिखनी है अपॉइंटमेंट। इट इज़ द राइट ऑफ द पीएम टू अपॉइंट कैबिनेट सेक्रेटरी। पीएम के पास ये राइट है, वो किसी भी पर्सन को कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट पे जो है रिक्रूट कर सकते, बट उसके लिए वो मोस्ट सीनियर और द सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट इंडिया के रह चुके होने चाहिए, उनके पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए उस पर्सन को वो जो है कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट पर रिक्रूट कर सकते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी शुड बी द सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द लैंड। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी टेन्योर। कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं है कि कितने टाइम पीरियड तक जो है कैबिनेट सेक्रेटरी अपनी पोस्ट पर रह सकते हैं, इनके टेन्योर को एक्सटेंड किया जा सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द विश ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वो जब तक चाहें कैबिनेट सेक्रेटरी को उस पोस्ट पर रख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है फंक्शंस एंड रोल्स ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। फर्स्ट पॉइंट है ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द एजेंडा ऑफ द कैबिनेट, की कैबिनेट का जो है नेक्स्ट एजेंडा क्या है, किस टॉपिक पे जो है डिस्कशन होगा। सेकंड है ही इज़ प्रेजेंट इन ऑल द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट की जितनी भी मीटिंग्स होंगी उसमें वो प्रेजेंट रहेंगे। थर्ड पॉइंट है प्रेजिडेंट एंड वाइस प्रेजिडेंट या जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको इन्फॉर्म करना कि गवर्नमेंट ने कौन से मेन डिसीजंस लिए हैं या पॉलिसीज बनाई हैं। फोर्थ, कोऑर्डिनेटर ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज वर्क कर रही हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखना। फिफ्थ पॉइंट, ही डायरेक्टली हैंडल्स ऑल द सीनियर अपॉइंटमेंट्स इन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अंडर जितनी भी सीनियर मोस्ट पोस्ट होती है उनकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जितना भी वर्क है या फिर जो गाइडलाइंस है वो इनके अंडर बनाई जाती हैं। सिक्स्थ, ही इज़ अ हेड ऑफ द सिविल सर्विसेज, यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर आईएएस आईपीएस और आईएफएस जो सर्विसेज होती हैं उनके वो हेड होते हैं। सेवन्थ पॉइंट है ही एक्ट एज अ सीनियर एडवाइजर टू द पीएम, पीएम को एडवाइस दे सकते हैं। एट्थ पॉइंट है ही एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द पॉलिटिकल सिस्टम एंड सिविल सर्विसेज ऑफ द कंट्री, ये एक लिंक होते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के बीच में और सिविल सर्वेंट्स के बीच में। नाइन्थ पॉइंट है प्रपोजल टू डिसॉल्व द लोकसभा, लोकसभा को डिसॉल्व करने के लिए प्रपोजल दे सकते हैं। टेंथ पॉइंट है ही सेंड मैसेजेस ऑफ द प्रेजिडेंट टू द पार्लियामेंट, प्रेजिडेंट के जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस है वो पार्लियामेंट में पहुँचा सकते हैं। 11th, ही हैंडल केसेज इन्वॉल्विंग द नेगोसिएशन विद फॉरन कंट्रीज ऑन ट्रिटीज एंड एग्रीमेंट, जितने भी केसेज है जिसके अंदर फॉरन कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट ट्रिटीज साइन किए जा रहे रिलेटेड टू द फॉरन ट्रेड टूरिज्म, उस सबसे रिलेटेड जो भी केसेज हैं वो ये हैंडल कर सकते हैं। 12th पॉइंट है ही हैंडल केसेज इन्वॉल्विंग फाइनेंशियल प्रपोजल्स, फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी केसेज हैं वो ये हैंडल करते हैं। 13th पॉइंट है ही हैंडल केसेस इंक्लूडिंग इश्यूज ऑफ ऑर्डिनेंसेस, जब पार्लियामेंट जो है वर्किंग में नहीं होती है तो कोई भी बिल निकालना होता है तो उसको प्रेसिडेंट डायरेक्टली निकाल सकते हैं विदाउट डिस्कशन, उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं। तो ऑर्डिनेंस से रिलेटेड भी है जितने वर्क है जितने भी केसेज हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी हैंडल कर सकते हैं। नाउ एंड में कॉन्क्लूजन, 4 to 5 lines एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कॉन्क्लूजन इन द एंड, इससे आपका आंसर जो है कॉन्क्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो। इनकेस आपको लाइन्स नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ पे लाइन्स लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना।
I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or a syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.